अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों ने 17 अक्टूबर को जयपुर के जालूपुरा स्थित एक होटल में सर सैयद असगर खान का जन्मदिन मनाया। सर सैयद के जन्मदिन प्रोग्राम में पूर्व आईएएस अशफाक खान चीफ गेस्ट थे एवं प्रोग्राम की अध्यक्षता ग्राउंड वाटर विभाग के पूर्व साइंटिस्ट नासिर खान ने की। अलीगढ़ के पूर्व छात्रों द्वारा सर सैयद डे पर यह प्रोग्राम हर वर्ष जयपुर में आयोजित किया जाता है। काम किया किस मिशन से, कितने डेडिकेशन से, कितने कमिटमेंट से काम किया, ये सब हम लोगों ने यहाँ बातचीत की, एक दूसरे को बातों से आगाह किया। मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में तो करीब 37 साल रहा ही, लेकिन मैं अजमेर का 3 बार राजीव रहा है, प्रोग्राम डायरेक्टर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रहा और लास्ट में सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक बहुत बड़ी तहरीक है जो कि लोगों के अंदर और आवाम के अंदर एक हलचल पैदा करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आप लोगों को मालूमात के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमने हमारे मुल्क ने जो अभी एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जिसका कि बहुत चर्चा है चंद्रयान का, तो चंद्रयान 3 पर जो टीम जिसने काम किया और उसको पहुँचाने में जो कामयाबी हासिल की उसमें 50% साइंटिस्ट जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन, उनका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। जिस चीज़ को अगर हम ऐसे हमारा मार्केटिंग और हमारी इन सब चीज़ों को अगर आगे आकर नहीं बताएंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम किस तरीके से रोशन होगा। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि अलीगढ़ की इस तरीके के प्रोग्राम में और वहाँ के हालात जो आजकल बहुत ही ख़राब होने की तरफ बढ़ रहे हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये सब कोशिशें की जा रही है, उसकी शुरुआत है। उसको आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर आज़म बेग और इनकी टीम और हम सब मिलकर ये कोशिश करते हैं कि हमारी कौम और मिल्लत और मुल्क की कामयाबी किस तरीके से आगे बढ़ सकती है उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए और मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़कर काम करना चाहिए। क्योंकि आज इतने बड़े असातज़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड में पहचान रिसर्च वर्क के लिए ज़्यादा जानी जाती है, एकेडमिक के साथ साथ रिसर्च वर्क के लिए वहाँ का रिसर्च कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है अलीगढ़ का इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन जब ग्रांट्स और फंड्स वगैरह की कमी आ जाएगी और जो जिस तरीके से अभी जो हालात चल रहे हैं कि वाइस चांसलर एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लोगों की तकर्रुरी में जो कमी आ रही है, अगर वो ग्रांट नहीं मिलेगा और वहाँ का माहौल कॉर्डियल नहीं होगा तो इन सब चीज़ों के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे और उस तरीके से अलीगढ़ को ये लोग गर्त में और पीछे ढकेलना चाहते हैं, जिसको कि हम किसी हालत में नहीं होने देंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी किसी भी तरीके की अपनी तरफ से कुर्बानी देनी पड़े। इसी तरह होटल इंडियाना में एएमयू के पूर्व छात्रों के एक समूह ने भी सर सैयद डे मनाया जिसमें सर सैयद अहमद खान की जीवन पर नज़र डाली गई और मुस्लिम समाज शिक्षा के प्रयास के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी बात कही गई। ये आज का जो प्रोग्राम था हमारा, वो मकसद हमारा ये था कि हम जैसा कि रवायत है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, हम साल हर साल 17 अक्टूबर को यौम सर सैयद या जश्न सर सैयद के नाम से आलमी लेवल पर इसको हम मनाते हैं, यानी वर्ल्ड लेवल पर जो है जितने भी ओल्ड बॉयज़ हैं, जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग हैं, जिन्होंने तालीम हासिल की है, वो पूरी दुनिया में इस दिन को आज मनाते हैं 17 अक्टूबर को। और रात 8 बजे ठीक पूरी दुनिया में सर सैयद डिनर का ये आयोजन होता है जिसमें सारे अलीग आपस में मिलते हैं और सर सैयद खान के बनाए हुए रास्ते पर और उनकी दी हुई तालीम के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। सर सैयद अहमद खान साहब ने ये बानी थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, 1877 के अंदर उन्होंने एक कॉलेज की शुरुआत की थी जो कि बाद में चल के 1920 के अंदर वो यूनिवर्सिटी बनी जो जिसको आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स वहाँ पे आए और उन्होंने वहाँ पे आके तालीम हासिल करी और इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर उनको यौम पैदाइश के उनके बर्थडे के पे आज 17 अक्टूबर को उनको याद किया जाता है एक डिनर के ज़रिए। बगैर शिक्षा के इंसान जो है बिल्कुल एक अंधे के मानिंद है। अगर हम लोगों को अगर शिक्षित नहीं होंगे तो हमें दुनिया में किसी भी फील्ड में हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमें आगे तरक्की के लिए शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उन लोगों से अपील करूँगा कि वक्त पर चाहे एक रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। एक वक्त ही रोटी खाकर भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, तभी उसके बाद वो तरक्की कर सकते हैं।
ये यकीनन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिज़नेस माइंडेड हैं और वो अपने उसके लिए हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और वही एक वजह है जिसकी वजह से चाहे आदमी अपना पेट काट कर या फाइनेंस लेकर, इवन हम अगर अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं तो हम लोन ले ले लेके मतलब हज़ार लाखों रुपए का लोन लेके भी बच्चों को भेजते हैं, और उन देशों के लिए ये एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स बन चुका है। और उसकी वजह जब तक हम उसको एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं देखेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरा तो यहाँ पर तो फर्स्ट टाइम ही था, मैं वैसे तो अलीगढ़ को ही बिलोंग करती हूँ लेकिन एएमयू से तो ताल्लुक़ हमारा 2004 से है, मैं 9th स्टैंडर्ड में वहाँ पे घुसी थी। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ शायद मैं आज जो भी कुछ हूँ उसमें एएमयू का स्पेशली हमारा जो कह सकते हैं कि बच्चा जब से नर्सरी में आता है तो हमारे जो वालिद साहब थे उनका तो ये कहना था कि आप एएमयू में घुस गए तो जो बच्चा एएमयू में घुस जाता है वो कुछ ना कुछ बनकर बनता है। तो ये बात सत्य है क्योंकि मेरा तो पूरा घर, मेरे जो बड़े भाई हैं, जो मेरा छोटा भाई है और जहाँ तक मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग तो सब एएमयू में ही पढ़े हैं। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि डरिए नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम एजुकेशन पे बात करें तो एजुकेशन में कहीं पे भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। आई वुड से कि एएमयू इज़ अमंग दी बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस एज वेल बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, तो इससे अच्छी तालीम आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। जहाँ तक फीस आर्किटेक्चर की जो बात हो रही थी, शायद सबसे सस्ता और सबसे अच्छी एजुकेशन हमारे एएमयू में ही है।